बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। टेक्निकल करेक्शन यानी बिना किसी फंडामेंटल रीजन के एक स्टॉक प्राइस में ड्रॉप का आना यानी गिरावट का आना, लेकिन अक्सर लोग करेक्शन को डाउन साइकिल से कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी वो ये अंतर नहीं कर पाते कि ये करेक्शन है या फिर स्टॉक की साइकिल चेंज हो गई है। किस तरह से अब हम पहचान सकते हैं कि साइकिल चेंज हुई है या फिर ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है? इस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बात वाकई बहुत बार व्यूवर्स के साथ होती होगी, वो इसे भाप नहीं पाते हैं, वो परेशान ज़रूर हो जाते हैं कि स्टॉक का दाम गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, लेकिन क्या ये करेक्शन है या फिर स्टॉक की साइकिल चेंज हो गई है? कैसे? सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, हमने अपने इस पूरे शो के दौरान काफ़ी बार बात किया है कि साइकिल्स होती हैं, इसका साइकिल घूम गया है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइकिल्स होती क्या हैं। जैसे आपने बोला कि करेक्शन और साइकिल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकिल और करेक्शन, देखिए करेक्शन जो है वो पार्ट है पूरे उसके मूव का, जो भी स्टॉक चल रहा है। अब स्टॉक से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कुछ भी चल रहा है। हमने बहुत बात किया है इस बारे में पहले। आप नेचर में जाएंगे, सर्दी के बाद गर्मी आया, गर्मी के बाद सर्दी आया, उसमें भी बीच बीच में कई बार ऐसे मूव आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ठंड पड़ गया, बहुत गर्मी में भी वो करेक्शन है एक्चुअली। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सर्दी बिल्कुल खत्म हो जाता है, गर्मी स्टार्ट हो जाता है, जैसा अभी हो रहा है, ये साइकिल चेंज हुआ है। इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और साइकिल्स जो हैं ऊपर की नीचे की, वो स्टॉक्स में भी आएंगी, हमारी लाइफ में भी आएंगी, नेचर में भी आएंगी। सिंपल करेक्शन के अंदर और साइकिल के अंदर स्टार्टिंग में डिफरेंस लगाना या मालूम चल जाए बहुत मुश्किल चीज़ है। यानी अगर इसे सिंपल टर्म्स में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर अपने सीजन से वेदर से कंपेयर करें, तो आप एक सिनेरियो दे रहे हो कि इन केस कभी बारिश हो गई अगर ऑल ऑफ अ सडन, और दो दिन के लिए गर्मी है, भरी गर्मी है, लेकिन दो दिन के लिए अगर वेदर अच्छा प्लेजेंट हो गया, दैट इज़ करेक्शन, दैट इज़ करेक्शन, राइट। लेकिन अगर गर्मियों के बाद एग्जैक्टली मार्च के बाद जब अप्रैल शुरू हो गया और जब वेदर पूरी तरह चेंज हो गया, दैट इज़ डाउन साइकिल, डाउन साइकिल। सर्दी में कितनी भी गर्मी पड़ेगी, मौसम गर्म दिन आएंगे कई, लेकिन उसमें आपको एसी चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। यानी एक वेदर जब चेंज हुआ तो ये साइकिल चेंज होनी हो गई। बिल्कुल, वेदर के अंदर जैसे हम देखेंगे, सर्दी के अंदर आप जब जाएंगे, सर्दी में कितना भी गर्म दिन आए, ऐसा आपको लगेगा कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें आपको कभी भी एसी चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गर्मी में कितना भी ठंडा दिन आएगा, लेकिन आपको कभी भी रजाई लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हीटर चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। करेक्शन और साइकिल में ये डिफरेंस होता है कि जो साइकिल चेंज होती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एक्चुअली। आपको मालूम चल जाएगा फ़र्क कि ये नॉर्मल करेक्शन नहीं है। नॉर्मल करेक्शन इतनी बड़ी नहीं होती कभी भी। नॉर्मल करेक्शंस छोटी छोटी होती हैं एक्चुअली। करेक्शन जो होती है बीच का हिस्सा है, जितना उसने मूव लिया है उसको कुछ करेक्ट करेगा फिर चलेगा, फिर कुछ करेक्ट करेगा फिर चलेगा। लेकिन साइकिल होती है बड़ी साइकिल, वो घूम जाती है, उसके बाद में वापसी बहुत मुश्किल होती है एक्चुअली। ना स्टॉक मार्केट में प्रियंका जी, लोगों के साथ यही कन्फ्यूजन होता है, वो डाउन साइकिल वाले स्टॉक्स को अंदर हमेशा बाय करने के चक्कर में रहते हैं, बॉटम फिशिंग ढूंढ रहे होते हैं, बॉटम फिशिंग भी ढूंढ रहे होते हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ तो ढूंढ रहे होते हैं जी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि ये स्टॉक की साइकिल चेंज हो चुकी है एक्चुअली। और जिसकी साइकिल चेंज हो चुकी है वो कुछ नहीं कर, नॉर्मल करेक्शन क्या होती है, जैसे मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी एक्टर की बात करते हैं, फिल्म स्टार की, चलिए ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हो साइकिल सबके जिंदगी में आती है, तो अगर हम उनके करियर को साइकिल के तौर पर बांट लें, करियर को साइकिल, हमने पहले ये भी बात की है, जो ये चार्ट एनालिसिस है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये आप किसी भी चीज पे लगा सकते हो, इवन इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ पे लगा सकते हो, किसी के लाइफ पे लगा सकते हो। आज हम फिल्म स्टार की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन हैं जैसे, जी, जी। उनका करियर स्टार्ट हुआ, उनका चार्ट बनाइए, आप चार्ट बनाइए, उनका स्टार्ट हुआ करियर, उनका पहला अच्छा मूव आया, ब्रेकआउट, जंजीर आई थी मूवी, बिल्कुल 1970 में आई जंजीर, और उसके उससे ब्रेकआउट हुआ, राइट। चार्ट बनता गया, पहली करेक्शन आई, बड़ी करेक्शन जब उनका एक्सीडेंट हुआ कुली के सेट, वो फर्स्ट करेक्शन थी बहुत बड़ी। हम एक चार्ट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, 1970 में जंजीर आई, उनको एंग्री यंग मैन का टाइटल दिया गया, उनके लिए अप मूव देखने को मिला, एक अप मूव, एक बुल मार्केट का एक स्टॉक तैयार हो रहा है, आप समझिए अमिताभ बच्चन नाम है उसका, वो जा रहा है ऊपर, उसके बाद में उसकी लाइफ में या उस स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आया, एक्सीडेंट हुआ उनका, वो डेढ़ से एक साल तक बेड पे रहे, उसके बाद
फिर लोगों ने समझ लिया था खत्म हो गया ये खत्म हो गया बस अब नहीं आएंगे। close to death, उनके लिए बहुत ही tragic वो time रहा। करेक्शन भी ऐसे ही होती है, आपको लगेगा ऐसा कि बस ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन वो एकदम से फिर वापस आएगा। करेक्शन का पहला साइन ये होता है अपना पिछला वाला बॉटम नहीं काटेगा। जी, जी। अब उन्होंने फिर वापसी की उसके बाद फिर मूव आया, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई, आपको मालूम है सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ, दीवार मूवी आई, उनको नॉमिनेट किया गया बेस्ट एक्टर के लिए, 20 अवार्ड्स मिले। आज की हिस्ट्री के हम जानते हैं, मतलब हमारी 100 साल की हिस्ट्री के सबसे अच्छे और नामी एक्टर हैं वो। जी बिल्कुल। उसके बाद एक फिर बड़ी करेक्शन आई जब ABCL बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गई उनकी कंपनी, वो भी एक करेक्शन थी, बहुत बड़ी करेक्शन। उस करेक्शन में भी क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन खत्म हो गए, 100 करोड़ का लॉस हो गया, उन्हें इतना नुकसान हो गया, उन्हें प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी पड़ी, अपना बंगला तक उनको कर्ज के चलते उनको बेचना पड़ा, यानी ये भी एक करेक्शन थी, बड़ी करेक्शन थी बिल्कुल। लेकिन उसकी भी पहचान ये थी, पिछला वाला बॉटम नहीं कटा जी, पिछले वाले लो पे जो लो लगाया था वो नहीं कटा, फिर दोबारा KBC आया, फिर एक मूव शुरू हुआ और फिर ब्रेकआउट हुआ और फिर ऊपर। ये एक चार्ट है, एक मूव एक करेक्शन, एक मूव एक करेक्शन, एक मूव, यानी कि अगर आप आज 40 साल का उनका चार्ट देखेंगे तो लगातार अप ट्रेंड में है। दो करेक्शन बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, बाकी छोटी मोटी तो हर एक की लाइफ में आती है, उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। चलिए, यानी ये जो एग्जांपल है इसको अगर हम यहाँ समझना चाहें, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड करेक्शन और साइकिल चेंज होने में मतलब क्या है। जब जब उनका टाइम खराब आया, चाहे कुली मूवी के बाद आया या चाहे ABCL के बाद आया, वो एक करेक्शन थी, साइकिल उनकी चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल साइकिल वो अप में ही चल रहे हैं, साइकिल वो अप में ही चल रहे हैं। अब करेक्शन कई बार क्या होता है, जैसे दो करेक्शन की हमने बात की, बहुत बड़ी बड़ी करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, वो करेक्शन भी कई बार साइकिल चेंज हो जाती है उस करेक्शन में भी। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कभी भी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब लोग कटने शुरू होंगे पुराने, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यस अब ये साइकिल बदल चुकी है। और साइकिल जिसकी चेंज हो जाए, वो साइकिल शॉर्ट टर्म में भी चेंज होती है और हमेशा के लिए भी चेंज होती है। कई एक्टर ऐसे हैं जिनकी हमेशा के लिए साइकिल चेंज हो गई। यानी टू गिव मोर क्लैरिटी टू व्यूअर्स हियर सुनील, कि आप कह रहे हो करेक्शन में सबसे पहले आपको जो डिफरेंस यहाँ कर लेना होगा वो इस तरह से समझना होगा कि पिछला लो नहीं कटना चाहिए। करेक्शन कुछ टाइम की भी हो सकती है क्योंकि प्राइस वाइज भी होती है और टाइम वाइज भी, कुछ समय रह सकती है, लेकिन उसे साइकिल चेंज से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हर चार्ट में, हर स्टॉक में, हर एक की जिंदगी में, आप सलमान खान का देखिए, जी जी, जहाँ से शुरू हुआ, कई बार केसेस हुए, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बीसियों चीज में फंसे, फिर निकले, फिर फंसे, फिर निकले, फिर फंसे, फिर निकले, आज देखिए आप जी, अब पिछले 4 साल से जब से हैं वो ट्रेंड अप था जी, क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ था जो ऊपर की तरफ बना हुआ था, उस ट्रेंड में बीसियों बार बीच की करेक्शंस आई। हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा उनके खुद के पास है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ करेक्शन आई, लेकिन जो व्यूअर देख रहे हैं वो अपनी लाइफ का चार्ट बनाए, उनको पता चल जाएगा वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, क्या करेक्शन आई, कौन सी ऐसा फेज था जो बहुत बड़ी करेक्शन थी साइज वाइज। यानी सुनील आप ये कहना चाह रहे हो सलमान खान की बात हो या अमिताभ बच्चन की बात हो, नॉट गेटिंग इट टू बॉलीवुड, वी जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, हम व्यूअर्स को ये समझाना चाह रहे हैं कि इनके एग्जांपल से हमें क्या समझ आ रहा है। हमें ये समझ आ रहा है कि दोनों ही एक्टर्स की अगर बात करें वो अप ट्रेंड में लगातार रहे, फेजेस कुछ डाउन साइकिल, फेजेस कुछ खराब आए जिन्हें आप करेक्शन कहेंगे, साइकिल चेंज नहीं हुई है, अप ट्रेंड में। लेकिन अब एक आपने बहुत बड़ा सिम्टम बताया, पहली चीज़ यहाँ मेरा एक क्वेश्चन, करेक्शन का सबसे बड़ा और सबसे पहला सिम्टम यही है कि उसका पिछला लो नहीं कटना चाहिए, दैट्स द ओनली सिम्टम। नहीं, ये ओनली सिम्टम नहीं है, एक टाइम जब भी बहुत ज्यादा हो जाता है किसी करेक्शन में, देखिए एक करेक्शन का एक नॉर्मल टाइम है, जैसे हमने एक बार पहले वैष्णो देवी का एग्जांपल लिया था, तो हमने ये बताया था आप 1 घंटा चलने के बाद 20 मिनट रेस्ट करते हैं, लेकिन 1 घंटा चलने के बाद 5 घंटे रेस्ट तो नहीं करते, नहीं करते। तो जितना ट्रेंड आपका चला है, अगर आपकी करेक्शन का टाइम उससे बड़ा हो जाता है, तो वो साइकिल चेंज होने का पहला सिम्टम होता है जी। टाइम वाइज करेक्शन जो है वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर हो जाए कोई बात नहीं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली जितना आप चले हैं उससे भी ज्यादा करेक्शन। यानी अगर एक स्टॉक मूव करता है 200 रुपए और उसकी करेक्शन में इतना समय बीत गया, तो वो एक मान लीजिए एक स्टॉक है, उसने 2 साल में 3 साल में 100 रुपए से वो स्टॉक 300 रुपए हो गया, अब 3 साल बाद वो जाके 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल खड़ा रहे कोई बात नहीं, और 300 रुपए वाला स्टॉक जो है 100 रुपए 150 रुपए आ जाए कोई खास बात नहीं, वो करेक्शन है, नॉर्मल करेक्शन। लेकिन भी चला एक स्टॉक 3 साल करेक्ट 3 साल अप ट्रेंड में रहा और 6 साल तक खड़ा एक ही जगह के ऊपर और प्राइस भी नीचे आ गया, वो करेक्शन नहीं है, वो कुछ और है, या तो वो साइकिल चेंज है या उस स्टॉक का
टाइम निकल चुका है। सीजनल स्टॉक भी होते हैं ना, कहीं राहुल रायो जैसे जो दो पिक्चर में आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, दो ही मूवी में आते हैं वो स्टॉक, लगता तो है कि हाँ सौखा स्टॉक 300 हो जाएगा, लेकिन वो तीसरी पिक्चर आती नहीं उनकी। ऐसे भी होते हैं कोई स्टॉक, सारे सलमान खान और सारे अमिताभ बच्चन तो नहीं होते ना। राइट, राइट, तो हमको ये भी समझना होगा कुछ स्टार्स, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो चलेंगे लगते हुए, फिर बीच में अपना फुस हो जाएंगे, पटाखा होता है जैसे आपका दिवाली का, कुछ अच्छे चलते हैं कुछ फुस हो जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक भी होंगे। करेक्शन तो यहाँ समझ रहे हैं, लेकिन साइकिल चेंज होने के सिम्टम्स क्या हैं ये भी समझ लेंगे सुनील से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप ईमेल एड्रेस नोट करना ना भूलें अगर आप कोई फीडबैक या फिर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, वे यू कैन रीच अस। और अपने सभी व्यूअर्स को ये भी रिमाइंड करा दें, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमसे कुछ समय बाद जुड़े हैं, यानी हमारे डे वन एपिसोड से नहीं जुड़ पाए, वो हमारे पुराने सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। जल्द वापस हाजिर होता है, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पहचाना जाए कि स्टॉक में एक करेक्शन है या फिर स्टॉक की साइकिल चेंज हो गई। करेक्शन की बात हमने काफी कर लिया, अब बात करते हैं कि साइकिल चेंज होने के क्या सिम्टम्स होते हैं। सुनील मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील, अभी हमने बात की करेक्शन की, व्यूअर्स जाहिर तौर पर यह भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर साइकिल चेंज होती है, अप होती है या डाउन होती है, लेट्स कंसीडर डाउन साइकिल की बात हो रही है अगर, तो क्या क्या सिम्टम्स को उन्हें ध्यान रखना होगा। पहला सिम्टम तो जैसे आपको बताया हमने कि समय ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बीतना चाहिए, जितना मूव हुआ है करेक्शन कभी भी उससे ज़्यादा समय की नहीं होनी चाहिए। राइट। दूसरा, प्राइस वाइज करेक्शन जो है ऐसा नहीं हो कि उसका पिछला वाला लो कट जाए। ओके। दो मेजर सिम्टम है एक्चुअली साइकिल में और करेक्शन में फ़र्क करने के लिए, ठीक है। और इनको आप जब नॉर्मली देखिए, आप जब काम करते हैं ना, कोई भी ना साइंस नहीं है ये, हमने पहले बात किया है कि उसको 2x2 = 4 करके आपको समझाया जा सके। कुछ चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं, देखनी पड़ती हैं वहीं पे कि कैसा लग रहा है आपको स्टॉक के अंदर। कई बार क्या होता है, कुछ स्टॉक किसी ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो इंटरनेशनली वीक चल रहा है। राइट। जैसे अभी पीछे का बहुत टाइम से मेटल सेक्टर, वो वीक चल रहा है, अब उसके स्टॉक्स हैं, चाहे जिंदल स्टील है, चाहे हिंडालको है, चाहे जितने भी स्टॉक्स हैं, वो भी सबकी साइकिल अभी जो है नीचे की है। ओके। तो ये भी देखना पड़ता है कई बार कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक किस तरह से, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हर एक के बारे में चेंज होती जाएगी। आईटी के बारे में क्या हुआ, आईटी ने 2001 में अपना पीक बनाया, पीक बनाने के बाद 8 साल का एक बहुत अच्छा साइज का करेक्शन किया, टाइम वाइज और प्राइस वाइज, उसके बाद फिर वापस आया और अब आपके सामने है। अब आईटी सेक्टर में बहुत सारी बेट्स बताई जा रही हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बुलिश हैं आईटी सेक्टर पे, यानी आप ये बोल रहे हो कि ये तो चीज़ें सीजनल है, ये तो हमें ध्यान रखना होगा। यानी अगर हम फिल्मी तौर पर बात करें, बॉलीवुड से कंपेयर करें, तो वहाँ भी बहुत सारे सीजनल एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, कुछ समय के लिए आएंगे, 2-4 मूवी में दिखेंगे और उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे जो आपको नाम याद रहेंगे, जैसे आज आपको स्टॉक्स के नाम याद है, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, वो एक्टर बहुत कम होंगे। आमिर खान, राइट, लगातार रिटर्न देंगे, लगातार रिटर्न देंगे आपको, हमेशा जिस मूवी में आएंगे वो मूवी अच्छी जाएगी, चाहे वो एक करेंगे दो करेंगे, लेकिन लगातार आपको रिटर्न देंगे। तो HDFC बैंक के भी आमिर खान, आमिर खान। तो ऐसे, और फिर आपको स्टॉक्स के अंदर ये देखना है कि कौन सा स्टॉक अपनी बहुत, देखिए मार्केट का एक रूल है, हमारी लाइफ का भी एक रूल है, जब भी आप बहुत ज्यादा चल चुके होते हैं तो नेचर भी आपको रेस्ट कराती है। राइट। मेरे हिसाब से शाहरुख खान जो हैं, उनका डाउन साइकिल शुरू हो चुका है आज से 1.5-2 साल पहले। बुल हैं अच्छे और उनका वक्त भी दोबारा आएगा, लेकिन अभी 5-7 साल लगेंगे, और क्योंकि इतना बड़ा मूव देख लिया। अब स्टॉक मार्केट के टर्म्स में अगर बोले तो अभी नए उभरते हुए बुल कौन है, रणवीर कपूर, वो उभरते हुए बुल है। अब मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट में ये दोनों स्टॉक लिस्टेड होते, एक शाहरुख खान और एक रणवीर कपूर, तो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी, बाय रणवीर कपूर, सेल शाहरुख खान, ये एक्सेलेंट पेयर है एक्चुअली। वो स्टॉक को बेचो जो स्टॉक बहुत चल चुका है, और उस स्टॉक को खरीदो जो अभी ब्रेकआउट कर रहा है। राइट। तो ऐसे पी रेशियो आपको देखनी होगी, बड़ी फेवरेबल लगेगी आपको, लगा एक्सपेंसिव कम है रणवीर कपूर एज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, एक्सपेंसिव कम तो राहुल रॉय भी है, एक्सपेंसिव कम की बात नहीं है, उसमें बुल के लक्षण भी मौजूद है,
उसमें ऊपर जाने no, compare, हम अगर शाहरुख और सिर्फ रणवीर में कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि लेस एक्सपेंसिव हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है एक्चुअली. तो यानी कि रिवॉर्ड कितना बड़ा आ सकता है अगर वो स्टॉक होते तो. Right. अगर वो स्टॉक होते तो रिवॉर्ड कितना बड़ा आ सकता. राइट, मतलब आप यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश व्यूअर्स को ये समझाने की है कि स्टॉक मार्केट में भी चाहे आप निफ्टी स्टॉक्स का है, ए लिस्टेड स्टॉक्स का है, आपको उनकी भी एक करेक्शन ड्यू होती है, वो भी कुछ समय के बाद एब्जॉर्ब करते हैं. इसलिए हमें कंपेयर यहाँ बॉलीवुड एग्जाम स्टार से करें सो दैट पीपल कैन कनेक्ट मोर, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि बुलंदियाँ जिस स्टॉक ने देख ली, जिस स्टार ने देख ली, वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होता है. मान लीजिए कितना बढ़िया रिटर्न दिया पिछले 30 सालों में, 25 सालों में उन्होंने, अब वो रेस्ट कर रहे हैं. पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं, हो सकता है 2-3-4 साल और भी रेस्ट करें. कैन वी कंपेयर देम विद शाहरुख खान? बिल्कुल कर सकते हैं. आप बिल्कुल कर सकते हैं आप. right. सामने आपके देखिए, उनका भी उतना बड़ा रन है, उसका भी उतना बड़ा रन है, और दोनों की करेक्शन चल रही है. साइकिल, छोटी साइकिल एक करेक्शन है, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन. तो ये आप कंपेयर करेंगे ना स्टॉक मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस, ये आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं. आप अपनी लाइफ का चार्ट बना सकते हैं, अपना चार्ट बना सकते हैं. आप देखेंगे वो वैसे ही काम करेगा जैसे मार्केट के चार्ट काम करते हैं. और स्टॉक मार्केट की तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सीज़न आता है, सीज़न जाता है. यहाँ पर भी आप देखेंगे 10 साल पुराने कई स्टॉक्स ऐसे जिनका आज कोई पूछता भी नहीं है. अब NTPC है, ONGC है, BHEL, LNT, मतलब उन स्टॉक्स है ये जो एक टाइम में कभी हीरो हुआ करते थे. मतलब गेल, DLF कभी हीरो हुआ करते थे, आज कोई यूनिटेक. अभी क्या है, नया फ्लेवर आया, नया सीजन आया, नए स्टार्स आएंगे, नए लोग आएंगे, देखने वाले भी नए होंगे उन स्टार्स को, काम करने वाले भी नए होंगे, नए सेक्टर होंगे, नए सेक्टर ही मर्ज हो रहे हैं. आप देख रहे हैं कोई कंजम्पशन आ गया, कभी और कुछ आया, बहुत सारी चीजें स्टॉक्स आ गए, मीडिया स्टॉक्स आ गए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इमर्ज हो रही हैं धीरे धीरे. उन कंपनियों की तरफ ध्यान दीजिए, उन कंपनियों में काम कीजिए जो उनका की भाव भी बोल रहा है और उनके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है. राइट, क्योंकि वो अभी इतने नहीं चले हैं लेकिन वो बता चुके हैं कि वो बहुत बड़े बुल हैं और वो किसी दिन शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बन सकते हैं. सो दैट मींस टू गिव जस्ट टू व्यूवर्स, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, जब वो दाव लगाने जाते हैं स्टार्स पर तो वो चुनते हैं उनको किनका समय अब फेवरेबल हो सकता है. और आप जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको, आप भी डायरेक्टर और एक्टर हैं अपनी अपनी खुद की जिंदगी के, आपको भी दाव ऐसे स्टॉक्स पर लगाना होगा जो कल को उभरता हुआ सितारा बन सकता है, कल का डार्क हॉर्स बन सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके सिम्टम पहचानने होंगे आपको. ये नहीं है कि आपने किसी भी स्टार को पकड़ लिया और लगा उसको लगा कि मुझे ये दिख रहा है कि ये बन सकता है. दिखने पर मत जाइए, पहले उसको चलने दीजिए. जब वो चल जाएगा कुछ और बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगा आपको कि यस, अब ये वो हॉर्स लग रहा है कि हाँ, इसने दिखा भी दिया एक्चुअली और लग भी रहा है, तो इस पे बैट करते हैं. और जो बहुत ऊपर जा चुका है उसमें से एक बार एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो और इसमें जाओ. तो कोशिश यही रहेगी कि इस कॉन्सेप्ट को व्यूअर्स समझ पाएं. हमने सिंप्लीफाइड वे में इसीलिए समझाया रियल लाइफ एग्जांपल से, और उस एग्जांपल से समझाया जिसको सबसे जल्दी समझने की कोशिश करेंगे इंडियन ऑडियंसेस. तो व्यूअर्स के सामने ऐसे कॉन्सेप्ट लाने के लिए सुनील बहुत बहुत शुक्रिया, इनको समझाने के लिए व्यूअर्स को, और इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को. हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा सके जो आपको इंटरनेट पे या फिर बुक्स पर या फिर टीवी या न्यूज़पेपर पे नहीं सुनने और देखने को मिल सकते हैं. इसी के साथ इस एपिसोड में आज आपसे यहीं लेते हैं इजाज़त. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन हमारा ईमेल एड्रेस नोट करना ना भूलें. अगर आप हमें कोई सुझाव, कोई क्वेरी, कोई भी अप्रिसिएशन या कोई भी फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.